अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस रब्बे कय्यूम से डरो जिसने ये फरमा करके तुम्हें मुत्तला कर दिया है, ये फरमा करके तुम्हें जो है वो बेचैन कर दिया है। फमन यअमल मिथ्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथ्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह की बारगाह में अगर जर्रा बराबर नेकी की होगी तब भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा, जर्रा बराबर गुनाह किया होगा तब भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसे यौम हिसाब कहते हैं वो दिन बहुत करीब है। उस दिन के बारे में क्या तैयारी की है जिस दिन के बारे में कुरान कहता है यौम यकूमुर रूह वल मलाइका सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन जिब्रील अमीन और उनके पीछे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे, उनमें कलाम करने की जुरत नहीं होगी। उस दिन के बारे में क्या तैयारी की है जिस दिन के बारे में कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमैज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन दोस्तों को दुश्मन बना दिया जाएगा, वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी, वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन बाप बेटे को देख करके हाथ झटक देगा, वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन अंबिया की ज़बान पर होगा इज़हबू इला ग़ैरी, हमारे सिवा किसी और के पास जाओ, हमारे रसूल के अलावा हर नबी की ज़बान पर यही होगा। उस दिन के लिए क्या तैयारी की है जब पहाड़ों जैसी नेकियां ले जाने वाला इंसान के साथ अगर अदल किया जाए तो वो भी जहन्नम का ईंधन बनने से नहीं बच सकता। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन इंसान फजल का मुतलाशी होगा, अल्लाह अदल की कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होगा और उसके बाद मेरे करीम ने अल्लाह अकबर इरशाद फरमा दिया अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। क्या इंसान के तसव्वुर करता है कि उसको हिसाब लिए बगैर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना समा वल बसर वल फुआद, उस दिन समातों का भी हिसाब होगा, उस दिन बसारतों का भी हिसाब होगा, उस दिन दिल की सोचो फिक्र का भी हिसाब होगा। लेकिन मुसलमानों अगर गुनाह कर चुके हो, मैं मायूस करने के लिए नहीं आया, अगर अपनी रातों को गुनाहों में गुजार दिया है, अपनी रातों को अय्याशियों में गुजार दिया है, अपनी रातों को बुराइयों में गुजार दिया है, अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को खुदा की नाफरमानी में गुजार दिया है, आज भी मौका है, अब भी वक्त है, अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है, अल्लाह से सुलह कर लो। मेरा करीम फरमाता है या अय्युहल्लदीना आमनु ऐ ईमान वालों तूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो।